Hello everyone. In the previous video, we discussed the basic structure of an HTML document. Well, in this video, we are going to discuss the commonly used tags in HTML. So let's begin. The first tag is heading tag. Heading tag के help से हम अपने web page पर different size की headings create कर सकते हैं. Heading tag के total 6 levels available होते हैं, from H1 to H6. यहाँ पर मैंने एक notepad file open करी और उसमें अपने HTML document को start किया. तो सबसे पहले HTML tag लगाया, फिर title tag use किया जिसमें devices text show करना है, उसके लिए head tag भी open और close किया. Now I will type the main content of the web page. अब मेरे web page में मुझे सबसे पहले एक heading चाहिए. So for that I am going to use the H1 level. So I have opened the H1 tag. I have typed my heading, which is more peripherals, and after that I will close my H1 tag because I know that heading tags are container tags. इसलिए जब ये open हुए, heading लिखी गई, तो उसके बाद इसे close भी किया जाएगा. इसके बाद file menu में जाके save करा file को and then अपने web page को open किया. Web page को open करने के लिए notepad file को minimize किया. और मिनिमाइज करने के बाद यहां पर मेरी फाइल जो सेव हुई है उसमें राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम. तो अब आप ये देखिए, आपका आउटपुट आ गया है. टाइटल बार में डिवाइसेस लिखा आया है एंड मोर पेरिफेरल्स, दिस इज योर मेन हेडिंग ऑफ द वेब पेज. H1 टैग सबसे लार्जेस्ट साइज का हेडिंग देता है और H6 सबसे स्मॉलेस्ट. तो जब आप H1 से H6 टैग्स में मूव करते हैं तो आपके हेडिंग का जो साइज होता है वो डिक्रीज होता जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर H6 टैग यूज करके देखूं और सेम हेडिंग लिखूं इसी पेज पर, तो वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू हेडिंग साइजेस. अगेन गो टू द फाइल मेन्यू एंड सेव द चेंजेस एंड रीलोड योर वेब पेज फ्रॉम दिस रीलोड बटन. सो यू कैन सी फर्स्ट हेडिंग जो H1 टैग से बनाई गई है उसका साइज कितना बड़ा है एंड सेकेंड हेडिंग is very small in size. Now what if you need this heading in the center of the web page? By default the heading aapki left align aayi hai, but what if I want it to be in the center of the web page? To uske liye hame heading tag ka attribute use karna padega. So let's understand what are attributes. So attributes provide additional functionality to the tags. Attributes hamare tags ke sath use kiye jate hain aur wo tags ke फंक्शनैलिटी को एनहांस करते हैं. एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में ही लगाए जाते हैं, कभी भी क्लोजिंग टैग के साथ यूज नहीं किए जाते. यहां पर हम यूज करेंगे अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ द H1 टैग, जिससे कि हमारी हेडिंग पेज के सेंटर पे अलाइन हो जाएगी. तो एट्रीब्यूट यूज करने के लिए हम अपने हेडिंग लेवल के ओपनिंग टैग पर जाएंगे. तो H1 ओपन यहां हुआ है. इस टैग में एंगल ब्रैकेट क्लोज करने से पहले हम एक स्पेस देंगे. सबसे पहले हम हमेशा टैग का नाम लिखते हैं, फिर एक स्पेस देते हैं और उस स्पेस के बाद अपने एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, विच इज अलाइन. एट्रीब्यूट का नाम लिखने के बाद इक्वल्स टू साइन लगा के उस एट्रीब्यूट में वैल्यू असाइन की जाती है. तो हमारे केस में ये वैल्यू होगी सेंटर. दैट्स इट. आप कभी भी एट्रीब्यूट को क्लोज नहीं करेंगे. क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ टैग्स की होती है, इसलिए यहां पर /H1 ही आएगा. You can clearly see the difference in the output. The next tag is paragraph tag. इसकी मदद से आप अपने वेब पेज पर एक पैराग्राफ डिजाइन कर सकते हैं. तो सपोज मुझे इस हेडिंग के बाद पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने पी टैग ओपन किया और इसके बाद मैं यहां पे अपना पूरा पैराग्राफ लिख दूंगी. तो यहां पर मैंने अपना पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद पी टैग को क्लोज कर दिया. आई कैन सी कि हेडिंग के जस्ट बाद मेरा पैराग्राफ आ गया है. पैराग्राफ टैग के साथ भी हम अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, ताकि हम अपने पैराग्राफ को लेफ्ट, राइट या सेंटर में अलाइन कर सकें. द नेक्स्ट टैग इज बोल्ड टैग. बोल्ड टैग की मदद से आप अपने टेक्स्ट पर एम्फेसिस पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पैराग्राफ बोल्ड दिखाना है तो आपने पी टैग के बाद बी टैग ओपन करना है और पी टैग के क्लोज होने से पहले बी टैग क्लोज कर देना है. अगेन सेविंग द चेंजेस. अब आप देख सकते हैं आपका पैराग्राफ बोल्ड हो गया है पहले से.
और इसी तरह से हम यूज करते हैं इटैलिक टैग एंड अंडरलाइन टैग। तो सपोज आपके पेज की जो हेडिंग थी मोर पेरिफेरल्स, वो आपको इटैलिक और अंडरलाइन करनी है, तो हेडिंग से पहले ही आप आई टैग भी ओपन करेंगे और यू टैग भी ओपन करेंगे। आप इनको किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, मतलब आप अंडरलाइन टैग भी पहले लगा सकते हैं और इटैलिक बाद में भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टैग इस हेडिंग पर वर्क करेंगे, तो सीक्वेंस डजंट मैटर। लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे सीक्वेंस का ध्यान रखना है, क्योंकि यू टैग लास्ट में खुला है तो वो सबसे पहले क्लोज होगा, उससे पहले आई टैग ओपन हुआ था तो आई टैग क्लोज होगा, और सबसे पहले एच वन टैग ओपन हुआ था तो सबसे लास्ट में एच वन टैग क्लोज होगा। और अब आप देख सकते हैं आपके मेन पेज की हेडिंग अंडरलाइन भी हो गई है और स्लांट भी हो गई है। द नेक्स्ट टैग इज लाइन ब्रेक, बी आर टैग। इस टैग की मदद से हम अपने कंटेंट को एक न्यू लाइन से शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पैराग्राफ में जो दो लाइन्स हैं वो एक साथ आ रही हैं, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन। आई वॉन्ट कि ये सेकेंड लाइन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, तो इसके लिए मुझे यहां पर बीच में, दोनों लाइन्स के बीच में ब्रेक देना पड़ेगा, और उसके लिए मैं यूज करूंगी बी आर टैग। तो अपने प्रोग्राम में दिस वॉज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, तो इस लाइन के बाद यहां पर हम बी आर टैग ओपन कर देंगे। बी आर टैग आपका एम्प्टी टैग होता है और इसलिए इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप देखिए पहले इस तरह से आउटपुट आ रहा है, और रीलोड करने के बाद हमारा पैराग्राफ की जो दो लाइंस हैं वो ब्रेक हो गई हैं। द नेक्स्ट टैग इज हॉरिजॉन्टल रूल्स, विच इज एच आर टैग। एच आर टैग की मदद से हम अपने वेब पेज पर लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूं कि मेरे पेज में पैराग्राफ के बाद यहां पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाए, तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज एच आर टैग। तो आपके प्रोग्राम में जहां पर भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है वहां पर आप एच आर टैग को इंसर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे पैराग्राफ के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो जहां मेरा पैराग्राफ क्लोज हुआ है पी टैग, उसके बाद आई एम गोइंग टू इंसर्ट एच आर टैग। अगेन, आपका एच आर टैग भी एम्प्टी टैग होता है, इसलिए इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। तो यू कैन सी द डिफरेंस, रीलोड करते ही इस तरह की ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पेज पर आ गई है। अब अगर हमें इस लाइन की थिकनेस को चेंज करना हो तो उसे भी हम एट्रीब्यूट की मदद से कर सकते हैं, एंड द एट्रीब्यूट विच वी आर गोइंग टू यूज इज साइज एट्रीब्यूट। तो हमने यहां एच आर टैग जहां ओपन किया है, टैग नेम के बाद स्पेस दिया, एट्रीब्यूट का नाम लिखा साइज, इक्वल्स टू साइन दिया, और अब इसमें वैल्यू असाइन कर दी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वैल्यू ली 4। तो अब आप देखेंगे रीलोड करते ही आपके लाइन की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन अभी इसका कलर जो है वो वाइट ही है, इसलिए आपको थिकनेस पता नहीं चल पा रही है। तो अगेन, कलर के लिए हम यहीं पर साइज एट्रीब्यूट के बाद दूसरा एट्रीब्यूट लगाएंगे स्पेस देकर, कलर इक्वल्स टू रेड। नाउ यू कैन सी हाउ थिक माई लाइन इज। अब अगर मैं साइज की वैल्यू चेंज करूं तो आप थिकनेस में कंपेरिजन कर पाएंगे। सपोज मैंने थिकनेस यहां पे कर दी 1। नाउ यू कैन टेल, पहले साइज 4 था तो लाइन थिक थी, अब साइज 1 हुआ तो लाइन अपने आप थिन हो गई है। द नेक्स्ट टैग इज सुपर स्क्रिप्ट टैग। सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज हम तब करते हैं जब हमें बेस लाइन से ऊपर कुछ टेक्स्ट रिप्रेजेंट कराना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, उसमें आपने एक्स स्क्वायर लिखना है, तो आप देख सकते हैं 2 जो है इट इज रेज टू द पावर ऑफ एक्स, तो वो ऊपर लिखा जाता है। तो अगर इस तरह से आपको टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है, फॉर दैट यू यूज सुपर स्क्रिप्ट टैग। तो सपोज मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद यहां पर दोबारा एच वन टैग लगाकर एक्स स्क्वायर लिखना है, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, बट क्योंकि ये जो 2 है ये ऊपर आना चाहिए बेस लाइन के, तो 2 से पहले मैंने यहां पर एसयूपी टैग ओपन किया है और उसके बाद एसयूपी टैग को क्लोज भी किया है। तो नाउ यू कैन सी एक्स स्क्वायर इस तरह से आपका रिप्रेजेंट हो गया। अगर यही 2 आपको नीचे शो करना होता तो उसके लिए आप यूज करते सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट टैग आप तब यूज करते हैं व्हेनेवर यू हैव टू डिस्प्ले द टेक्स्ट बिलो द बेस लाइन। जैसे आप कोई केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसमें आप सबस्क्रिप्ट टैग यूज कर सकते हैं।
तो हम यहीं पर अब जो एक्स स्क्वायर हमने हेडिंग डाली थी उसमें 2 को सबस्क्रिप्ट में शो करेंगे, तो SUP की जगह यहां पर हम यूज करेंगे SUB। और रीलोड करते ही आप देखेंगे अब जो 2 है इट इज बिलो द बेस लाइन। द नेक्स्ट टैग इज फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग की मदद से आप अपने वेब पेज के टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, उसका साइज बदल सकते हैं और उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग भी बदल सकते हैं, और ये तीनों ही काम आपके एट्रीब्यूट से होंगे। सो लेट्स गो थ्रू द एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट टैग वन बाय वन। द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज कलर। इट इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट। तो हम अपने वेब पेज की मेन हेडिंग की ही फॉर्मेटिंग करेंगे, तो अपनी हेडिंग H1 के बाद मैंने यहां पर फॉन्ट टैग ओपन किया। फॉन्ट टैग ओपन करने के बाद एक स्पेस देकर मैंने एट्रीब्यूट लिखा कलर इक्वल्स टू ब्लू, और उसके बाद फॉन्ट टैग हेडिंग के बाद मैंने क्लोज भी कर दिया। अभी आपकी हेडिंग ब्लैक से आ रही है। अब आप अपने पेज को रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी हेडिंग ब्लू से हो गई है। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज साइज एंड इट इज यूज टू सेट द साइज ऑफ टेक्स्ट। सपोज आप अपने पैराग्राफ का साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो पैराग्राफ टैग जहां आपने ओपन किया है उसी के बाद आप फॉन्ट टैग ओपन करेंगे और स्पेस देकर लिखेंगे साइज इक्वल्स टू, और साइज की वैल्यू देंगे। साइज की वैल्यू 1 to 7 कुछ भी नंबर आप दे सकते हैं। सपोज मैंने यहां पे नंबर दिया 4। अगेन बी टैग से पहले ही अब मुझे यहां पर पहले फॉन्ट टैग क्लोज भी करना पड़ेगा। And now see the difference. The next attribute is face, and this attribute is used to set the font type of the text. अब suppose आप अपने इस paragraph का style of writing भी बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए font tag में अभी जहां आपने size attribute लगाया इसी attribute के बाद एक space देकर आप face attribute का use कर सकते हैं, और इसमें आप किसी भी style of writing का name लिखेंगे। जैसे आप वर्ड में भी यूज करते हैं एरियल होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, बुकमैन ओल्ड स्टाइल होता है, तो उसी तरह के आप यहां पर भी फेस यूज कर सकते हैं। तो आई एम यूजिंग एरियल ओवर हियर। तो अभी आपका पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो इस तरह से रिटन है। अब आप देखिए रीलोड करते ही स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज हो गया। स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज करने का मतलब आपके जो कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनका लिखने का स्टाइल जो है वो बदल जाता है विद द हेल्प ऑफ फेस एट्रीब्यूट। So these were all the commonly used tags and their attributes. लेकिन एक main tag भी होता है HTML structure का, which is body tag. And body tag के भी अपने attributes होते हैं. So let's see the attributes of body tag now. The first attribute is BG color, and this is used to set the background color of the web page. So again, अपने program में जहां हमने body tag open किया था, वहीं पर angle bracket से पहले space देकर हम अपने एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे विच इज बीजी कलर। और यहां पर आपको बीजी कलर में कोई स्पेसिंग नहीं करनी है, ये सिंगल वर्ड है। बीजी कलर लिखने के बाद इक्वल्स टू वैल्यू डालकर आप इसमें कोई भी कलर की वैल्यू असाइन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा येलो। सो ऑन रीलोडिंग द पेज यू कैन सी द डिफरेंस इन द आउटपुट। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज टेक्स्ट एंड इट इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। अगर आपको अपने पूरे वेब पेज के टेक्स्ट का सेम कलर ही रखना है, जैसे मुझे सारे पेज पर जहां जहां टेक्स्ट आ रहा है उस सबका कलर ब्लू करना है, तो मैं सीधा बॉडी टैग के साथ भी टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज कर सकती हूं इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉन्ट टैग। तो अपने प्रोग्राम में मैंने यहीं पर बीजी कलर के बाद स्पेस डालकर लिखा टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लू। अभी देखिए सिर्फ हेडिंग ब्लू है, और अब रीलोड करते ही पैराग्राफ भी ब्लू हो गया है, और नीचे जो एक हेडिंग आपने एक्स स्क्वायर की डाली थी वो भी आपकी ब्लू हो गई है। आपकी लाइन का कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका एट्रीब्यूट है टेक्स्ट एट्रीब्यूट, ये सिर्फ टेक्स्ट पर ही काम करता है। द लास्ट एट्रीब्यूट इज बैकग्राउंड एंड दिस इज यूज्ड टू सेट एन इमेज एज अ बैकग्राउंड ऑफ अ वेब पेज। अगर आप अपने पेज का कलर चेंज ना करके उसके बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करना चाहते हैं तो वो आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की मदद से कर सकते हैं। तो अपने इसी प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने बीजी कलर रिमूव कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली या तो आप कलर रखेंगे या फिर बैकग्राउंड,
और अब यहां पर मैंने उसकी जगह लिख दिया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में वैल्यू आपको देते हुए बहुत केयरफुल रहना है। डबल कोट्स के अंदर आपको अपनी इमेज का नेम देना होता है। अब नेम आप किस तरह से देंगे? सपोज मुझे अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में ये इमेज चाहिए, तो इस पे मैंने राइट क्लिक करा और लास्ट में प्रॉपर्टीज ओपन करी। यहाँ प्रॉपर्टीज में लोकेशन पूरी स्पेसिफाइड होती है, तो सबसे पहले हम अपनी इमेज की लोकेशन कॉपी करेंगे। तो सिंपली कंट्रोल सी और नोटपैड फाइल में यहां पर पेस्ट कर देंगे यूजिंग कंट्रोल वी। ये तो आपके इमेज की लोकेशन हुई। उसके बाद यही बैक स्लैश आपको लोकेशन के एंड पे लगाना है और फिर अपनी फाइल का नेम बताना है और डॉट के बाद आपको आपकी इमेज की एक्सटेंशन देनी है। और अब अपने पेज को रीलोड करते ही आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया है और एक ही इमेज आपके बैकग्राउंड पे सेट हो गई है। सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द की पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट इज देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ टैग्स जो HTML में यूज किए जाते हैं, कंटेनर एंड एम्प्टी। और आज हमने दो एम्प्टी टैग्स यूज किए, BR टैग लाइन ब्रेक्स इंसर्ट करने के लिए और HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने के लिए। देन क्लोजिंग ऑफ द कंटेनर टैग इज ऑलवेज डन बाय द यूज ऑफ फॉरवर्ड स्लैश। HTML टैग्स केस सेंसिटिव नहीं होते। एट्रीब्यूट्स आपके टैग्स में एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फॉन्ट टैग के साथ हमने तीन एट्रीब्यूट्स यूज करे, कलर, साइज और फेस। और बॉडी टैग के साथ हमने यूज करा BG कलर, बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट एट्रीब्यूट। HR टैग के साथ हमने यूज करा साइज एट्रीब्यूट टू डिफाइन द थिकनेस ऑफ माई लाइन ऑन द वेब पेज। That's it for today's video.